जो वन प्लस है इस कंपनी का सबसे अच्छा यही देखने को मिला है कि ये अपने जो इनके कस्टमर्स कस्टमर्स हैं होते जो हैं, वो प्रॉब्लम्स बताते हैं, जो कहते हैं कि ये होना चाहिए फीडबैक्स था, ये होना चाहिए, फीडबैक्स जो आ रही होती हैं, उनसे जो उसी पॉसिबल सबसे बेस्ट पॉसिबल फ़ोन हो सकता है वो वो निकाल। बना के देने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ होती है कि वन प्लस जब भी फ़ोन निकालता है तो ये रेंज में ही निकालता है, ऐसे नहीं है कि बहुत महंगे निकाल दिए, लाख रुपए का निकाल हाँ, दिया, 1.5 लाख का निकाल दिया, ऐसा वाला था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं है। है। और इनका अच्छे फोन फ़ोन हाँ रेंज सिक्सटी में होंगे। थाउजेंड 50,000 भी टच नहीं करने देते ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विजेंद्र मैं हूँ सुनील और मैं हूँ मुनीश। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है OnePlus 7T मोबाइल का एक छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो में मोबाइल के बारे में कुछ बताया गया है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ओके, Every decision we made, खतरनाक जगह चल रहे yes. Every हैं। path we took, led us to one thing, कैसे चल रही है? ओ ओ भाई, a better phone ये सही गेट था यार। यार you. You got videos to watch and feeds to scroll, so there's a wider edge-to-edge screen that still fits in your hand. Eye to eye. You've got apps to run. New hardware unlocks and processes quicker, while our screen is more fluid and more responsive. Okay. Smoother? You got that too, thanks to a 90 Hz refresh rate, with richer, sharper, deeper colors and detail. You've got photos to take, with three lenses instead of one, so you can shoot wide angle, ultra wide angle, and telephoto, to always get the full picture. Even in backlight. Backlight. And with almost no light, No single light. Images always look spot on. You've got things to do, places to be. So there's warp charge. Just 30 minutes to keep you moving. 30 minutes. And you've got dual speakers. So when you're gaming, you don't get played. You've even got video stabilization, so you can always keep it steady. Wow, yes, a yay. We came, we listened, we made the phone you want. Oh. Introducing the new OnePlus 7T. Never settle. Never settle. Okay. तो ये था वीडियो OnePlus 7T का, और भाई साहब ये जो मोबाइल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, विद ट्रिपल कैमरा और बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर स्टेबलाइजेशन, है, स्टेबलाइजेशन हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन सबसे इसके मेन अंदर। चीज़ ये है कि स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है फ़ोन में, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि नॉर्मल फ़ोन से अगर हम वीडियो बनाते हैं तो तो क्या होता इतनी है कि वीडियो स्टेबल बहुत शेक ज़्यादा बहुत आते हैं। आजकल तो लगी स्टेबलाइजर्स आने है, लग गए हैं, सबके अपने अपने हैं, लेकिन वन प्लस का अच्छा है, बहुत वन अच्छा प्लस है। की क्लियरिटी पहले भी हमने देखी हुई है, तो वन प्लस जब 7 आया था स्टार्टिंग में तो उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, जूम जूम जो कितना अच्छा है उसका। इसका स्टेबलाइजेशन का तो देखूं मैं तो, जो सैमसंग ने नोट 10 जो निकाले हैं जो मोबाइल्स, उनका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, पर लेकिन इस प्राइस पॉइंट में जो वन प्लस दे रहा है वो सैमसंग नहीं दे रहा है। सैमसंग के जो फोन्स हैं वो बहुत महंगे हैं, 85,000 80,000 के अराउंड, लेकिन इस प्राइस पे 38,000 का, 128 वाला, हाँ 128 वाला 38,000 का है, और 256 वाला वो 40,000 का, 40,000 का। तो प्राइस भी इतना नहीं है और इतना बढ़िया फोन है, मतलब आठ इतनी जीबी की चीज़ें। रैम मिल रही है, 3 ट्रिपल रेयर कैमरा है, आगे एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K रिकॉर्डिंग है, हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन है, बैटरी थोड़ी सी कम है लेकिन इसमें आधे घंटे में चार्ज हो जाती है बैटरी, तो बैटरी लाइफ चार्जर दिया हुआ है हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बैटरी लाइफ पर जो पुराने फ़ोन हैं इनके, वो उनकी ठीक है बैटरी लाइफ, आप वन डे यूज़ के लिए और इसमें इसके साथ ही जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले है, और एमोलेड डिस्प्ले के अंदर 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत बढ़िया स्क्रीन है, जो मतलब हमें पहले OnePlus 7 Pro में देखने को मिली थी वो वाली स्क्रीन है। तो इस प्राइस में वही आपका 50,000 वाला 52,000 वाला जो फ़ोन है वो इस प्राइस में मिल रहा है, तो इट्स गुड। और जो इसकी स्क्रीन है फुल आपका कवर करती है, और आपको डिस्प्ले जो है बहुत ही
वाइड मिलता है, बहुत बढ़िया। बात करें इसके प्रोसेसर की, बात करें प्रोसेसर में और फिर गेमिंग, फास्टेस्ट प्रोसेसर और फिर गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फोन है, क्योंकि मेन चीज क्या है कि जितने भी लोग पबजी खेलते हैं या और गेम खेलते हैं उनके लिए, हैवी गेम्स खेलते हैं उनके लिए इस रेंज में फोन बहुत अच्छा। इसके अंदर क्वालकॉम का 855 प्लस जो 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है वो है, और तो ये बहुत मतलब हैवी, बहुत अच्छी हैवी वर्क करने के लिए बहुत सही। ड्यूल स्पीकर्स मेरे ख्याल दे रखे हैं, एटोमस ड्यूल स्पीकर हैं इसके अंदर। तो आप गेमिंग खेलते हो तो आपको साउंड मतलब बढ़िया साउंड बढ़िया साउंड आती है, साउंड बढ़िया मिलेगी आपको। दो सिम ड्यूल सिम के साथ आता है, ड्यूल सिम स्टैंड बाय के साथ है। कुल मिला के ये है कि इस रेंज में इससे अच्छा फोन, इससे अच्छा फोन नहीं मिल सकता। और इसकी वन प्लस की फोटोग्राफी, वन प्लस के बारे में सभी जानते हैं, इसके अंदर एक बात बोलती है जो ऐड की हुई है उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि वी लिसन्ड यू एंड वी मेड अ फोन विच यू रिक्वायर्ड। जो तो जो वन प्लस है इस कंपनी का सबसे अच्छा यही देखने को मिला है कि ये अपने जो इनके कस्टमर्स हैं जो वो प्रॉब्लम्स बताते हैं, जो कहते हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, फीडबैक्स जो आ रही होती हैं उनसे जो पॉसिबल सबसे बेस्ट पॉसिबल फोन हो सकता है वो बना के देने की कोशिश करते हैं। और एक चीज होती है कि वन प्लस जब भी फोन निकालता है तो रेंज में ही निकालता है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे निकाल दिए, लाख रुपए का निकाल दिया, 1.5 लाख का निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छे फोन 60,000-50,000 भी टच नहीं करने देते, ये कोशिश करते हैं 40,000 तक का रखें। और इस प्राइस रेंज में मतलब इतना बढ़िया फोन मिलना तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे मेन चीज इतने सारे फीचर और वन प्लस एक्चुअली फोन्स तो आए थे इनके मुकाबले में, जैसे असुस ने 5G निकाला था या पोको F1 था या अभी भी निकाल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं इसी प्राइस रेंज में, लेकिन जो वन प्लस की जो क्वालिटी है, जो भरोसा है लोगों का, जो इसने जीता है कंपनी ने, उससे अच्छा भरोसा मतलब उससे अच्छी गारंटी जो है वो कोई और कंपनी दे नहीं पा रही। और सबसे मेन चीज ये भी है ना कि जैसे जैसे पुराने होते हैं और कंपनीज के फोन थोड़े से स्लो हो जाते हैं, हैंग होने लग जाते हैं, ये हैंग भी नहीं होता, स्लो भी नहीं होता, इनका प्रोसेसर कंटिन्यू वैसे ही काम करता है जैसे आपने शुरुआत में लिया होता है। मैंने कई लोगों को वन प्लस 3 तक अभी तक यूज करता हुआ देखा है और अच्छे चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। तो वन प्लस 3 का ये मान लो 7 आ गया तो 4 साल हो गए हैं और अच्छे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन फोनों में। तो आप भी हमें ज़रूर बताएं आपके पास कौन सा मोबाइल है और आप वन प्लस 7T का मोबाइल लेना चाहेंगे या आप लिया है, किसी को रिकमेंड करते हो या आपने लिया हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं, इसकी सेल हो चुकी है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ के साथ दोस्तों हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। ये हमारे चैनल के ऊपर एक डिफरेंट कुछ सेक्शन कोशिश करते हैं हम कि कुछ और मूवीज़ गानों के अलावा भी कुछ और रिएक्ट कर पाएँ हम, तो वो हम कोशिश करते रहते हैं। बीच में पहले हमने आईफोन का भी किया था, आईफोन 11 जो है उसका भी रिएक्शन किया था, वो उतना नहीं चला, इसका भी हम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे लाइक बटन दबा के और हमें बताएँ, और साथ ही शेयर का बटन जो है वो दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ देखें इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, लाइक ये अलग है टॉपिक थोड़ा मोबाइल्स पे है, अगर कुछ और भी आप जानकारी चाहते हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।